हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी बगिया। फ्रेंड्स, आज मेरे पास एलम है जिसे हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम एलम के बारे में बात करेंगे कि एलम गार्डनिंग में हमारे किस तरह काम आती है। इसका केमिकल नाम है पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। एलम के बारे में पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है। ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो सोइल के पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए काम आता है। प्लांट में इसका यूज़ तब किया जाता है जब सोइल पीएच लेवल कम होता है, क्योंकि अगर सोइल पीएच लेवल बैलेंस होता है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्लांट की ग्रोथ में। क्योंकि अगर सोइल पीएच लेवल मेंटेन होता है तो मिट्टी से प्लांट अच्छे से न्यूट्रिएंट्स और पानी को सोख पाता है। अगर पीएच लेवल बराबर नहीं होता है और जो एक परफेक्ट सोइल पीएच लेवल होना चाहिए पर्टिकुलर प्लांट के हिसाब से, तब अगर उससे नीचे होगा तो प्लांट की ग्रोथ पर असर पड़ता है और प्लांट मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स और पानी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जिससे प्लांट की ग्रोथ पर फर्क पड़ता है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ग्रोथ एसिडिक सोइल पर ही डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लिए मिट्टी में एसिडिटी मेंटेन रहना बहुत ही ज़रूरी है। अगर फ्लावर प्लांट है तो प्लांट में फ्लावरिंग रुक जाती है अगर मिट्टी का पीएच लेवल सही नहीं होता है, इसलिए मिट्टी का पीएच लेवल ज़रूर चेक करें। अगर प्लांट की मिट्टी का पीएच लेवल चेक करने पर 7 आता है तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है, और अगर 7 से ऊपर आता है तो वो एल्केलाइन है। अगर 7 से नीचे है तो वो एसिडिक है, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जो प्लांट की ग्रोथ के लिए सबसे अच्छा पीएच लेवल होना चाहिए वो है 5.5 से 6.5। अगर इसके बीच में पीएच लेवल रहता है आपके प्लांट की मिट्टी का, तो इसका मतलब वो सबसे बढ़िया है। अगर इससे कम होता है या इससे ऊपर होता है तो मिट्टी के पीएच लेवल में प्रॉब्लम होती है, इसका मतलब प्लांट की ग्रोथ पर इफ़ेक्ट पड़ने वाला है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और सोइल पीएच लेवल चेक करने के लिए मीटर आते हैं, डिजिटल और नॉन डिजिटल, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ हमें गार्डनिंग में तभी करना है जब मीटर से पीएच लेवल चेक करने पे आपका 7 आता है या फिर अबव 7 आता है, तभी हमें इसका यूज़ करना है, अदरवाइज़ इसका यूज़ नहीं करना है। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, अगर सोइल पीएच लेवल 7 आता है तो इसका मतलब सोइल न्यूट्रल है, और अगर अबव 7 आता है तो इसका मतलब सोइल एल्केलाइन है। इन दो कंडीशन में ही हमें एलम का यूज़ करना है अपने प्लांट की सोइल में, लेकिन इसकी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी होती है प्लांट के टाइप और कंटेनर के साइज़ के हिसाब से। अगर कंटेनर का साइज़ बड़ा है तब हमें छोटा सा चम्मच ही डालना होता है, बहुत कम ही मात्रा में इसको डालें, और अगर ज़्यादा डाल देंगे तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं जिसे हम आगे बात करेंगे। अगर कंटेनर का साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप उसका 1/4 ही डालें, ज़्यादा ना डालें। इसका जो दूसरा सबसे बड़ा यूज़ है वो है एक पेस्टिसाइड के रूप में। ये एक बहुत अच्छा पेस्टिसाइड भी है। कभी कभी प्लांट की मिट्टी में कई तरह के कीट और लार्वा पैदा हो जाते हैं, और चींटियाँ, दीमक, इस तरह के कीड़े लग जाते हैं, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए ये काम आता है। पौधों में कई तरह के कीड़े लग जाते हैं, जैसे कि एफिड्स, वाइट फ्लाइट्स और मीली बग। ये वो इंसेक्ट्स हैं जो ज़्यादातर प्लांट्स को लगते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसके अलावा गार्डनिंग और फार्मिंग में और भी कई तरह के कीड़े लगते हैं, जैसे कि स्नेल, स्लग्स, वॉर्म, कटवॉर्म्स। ये इन सभी पे इफ़ेक्टिव है, लेकिन इन सभी के लिए पर्टिकुलर क्वांटिटी इसमें यूज़ करनी होती है, जिसके बारे में हम यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा घर या गार्डनिंग में कॉकरोचेस लग जाते हैं, तो उस इफ़ेक्टिव एरिया पर हमें इसका जो पाउडर होता है वो हमें स्प्रिंकल करना होता है, तो इस तरह स्प्रिंकल करने पर कॉकरोचेस से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा गार्डनिंग में अगर कहीं ठहरा हुआ पानी है या कहीं घर के आसपास और उसमें लार्वा पैदा हो गया है, मॉस्किटो हो गए हैं, तो इसका पाउडर उस ठहरे हुए पानी में स्प्रिंकल करने पर मच्छर और लार्वा से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं जिसे हमें जान लेना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, ये कोई फर्टिलाइज़र नहीं है, ये कोई फर्टिलाइज़र का काम नहीं करता है, ये सिर्फ मिट्टी के पीएच लेवल को मेंटेन करने के काम आता है।
तो अगर हम पीएच लेवल जाने बिना इसका यूज़ करते हैं तो ये प्लांट को डैमेज कर देता है, प्लांट की रूट को जला देता है। ये प्लांट के सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में अवरोध पैदा करता है, जिससे कि प्लांट मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स और पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है और वो ख़राब होने लगता है और उसकी रूट्स ख़राब हो जाती है पूरी तरह से, क्योंकि मिट्टी में ये केमिकल पहले से ही होता है। तो अगर हम पीएच लेवल जाने बिना इसको यूज़ करेंगे तो हमारी मिट्टी का पीएच लेवल गड़बड़ा जाएगा और दूसरा प्लांट भी ख़राब हो जाएगा, इसलिए पीएच लेवल जाने बिना इसका यूज़ ना करें। तो अगर आप प्लांट की मिट्टी का पीएच लेवल जाने बिना इसका यूज़ करेंगे तो इसकी क्वांटिटी डबल हो जाएगी, जिससे कि प्लांट पर उल्टा असर पड़ेगा और प्लांट डैमेज हो जाएगा। तो इसका इस्तेमाल आप जब भी करें अपने प्लांट में, पीएच लेवल जाने बिना बिल्कुल भी ना करें। पहले आप पीएच लेवल चेक करें अपनी प्लांट की मिट्टी का, उसके बाद ही आप इसका इस्तेमाल करें, जिससे कि आपके प्लांट हेल्दी रहें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।